दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है कि हम रिपेयर करने वाले हैं ये कि एलजी कंपनी की टीवी को। तो आइए देखते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको तो मैंने लगा दिया है पावर में, सीरीज में। तो सीरीज बल्ब अभी जो है कि अभी अभी तुरंत बंद हुआ। तो पावर की इंडिकेटर ये जो है कि जल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ऑन करके देखते हैं यहाँ पे, ये पी प्लस या माइनस वाले कोई बटन से तो कोई रिस्पांस जो है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर दोस्तों टीवी को हमने ऑन तो किया पर कोई रिस्पांस नहीं है। तो मैं एक बार पीछे की लीड को लगा के, यहाँ पे आरसी लीड जो है इसकी लगा के, इसको यहाँ पे पीछे साइड में इसको जो है कि अंदर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ आरसी लीड अपनी ऑडियो वीडियो की। तो करते हैं देखिए ऑन और क्या रिस्पांस मिलता है आपके सामने ही जो है कि, फिर इसको हम आगे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों टीवी ऑन हो गई है क्योंकि इसमें से आवाज़ आ रही है। तो ये देख सकते हैं आवाज़ आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है टीवी पे। तो फिर चलिए देखते हैं आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो इसको सही करने के लिए हमको टीवी को ओपन करना होगा। तो टीवी को सबसे पहले ओपन करते हैं और ये लीड को हम निकाल लेंगे। और ये इस पर लाइट जरा सी भी नहीं आ रही है, तो देखते हैं ठीक है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर जो है कि नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को, हमारे इस चैनल को एपीजे इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई आपका टॉपिक हो तो आप हमें सजेस्ट करें, कोई भी बात हो कमेंट करें आप, ठीक है। तो टीवी हमारी ओपन, सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, बस एक स्क्रू और बचा है। तो ये भी हो गया ओपन। और अब टीवी को चलिए इसकी बॉडी को निकाल लेते हैं और चेक करना है, हम चालू करेंगे इसको। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी है टीवी में, ये जो है कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मिनट दिखा दूं। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। और ये हमारा फोकस का वायर यहाँ पे टूट चुका है जिसकी वजह से हमारा आगे लाइट नहीं आ रहा है। और इतनी गंदगी आप ये देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि क्या बताएं आपको, इतनी बेकदरी तो शायद ही कभी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखने को मिल गई है। और ठीक है, सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं। वैसे तो ये यहाँ साफ दुकान में अंदर साफ़ करने लायक है ही नहीं, लेकिन क्या करें। ठीक है, तो साफ़ करते हैं। और इतनी गंदगी जो है कि कोई पार्ट दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल दोस्तों, गंदगी जो है कि शॉप में भर चुकी है और अभी भी कुछ गंदगी है जो बिल्कुल बैठ चुकी है टीवी पे, वो वाली तो साफ़ कर देंगे हम इसको, नहीं तो अगली बार जब दोबारा टीवी आएगी तो भी यही हाल रहेगा। तो हमारा जो है, पहले तो एयर ब्लोअर नहीं था तो हाथ से साफ़ करते थे इसी तरह ब्रश से, अब जो है कि मशीन है तो इससे ही साफ़ करेंगे। तो फिर दोस्तों ये हो चुका है, इतना काफ़ी है। और आइए सबसे पहले इस फोकस वाले पॉइंट को यहाँ पे हम बेस में, ये आपको मैं आप थोड़ा करीब से दिखा दूँ। ये सर्किट में आपको जो है कि आप सामान दिखने लगा होगा, पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से ये देख सकते हैं पीछे साइड से, इसलिए जो है कि ये अच्छी तरह साफ नहीं हो पाया।
यहाँ से जो है कि ये निकल चुका है बेस में से, तो इसको हम लगा लेते हैं और लगाने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है भाई। तो ये काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसको हमको साफ़ करना पड़ेगा, और इसको पहले हम काट के छिल के सोल्डिंग करके फिर करेंगे। अगर ये सिंगल वायर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसमें कई सारे वायर हैं तो सोल्डिंग कर देंगे तो अच्छी बात है, सब इकट्ठा हो जाएगा एक साथ। तो ये हो चुका है और इसको हम यहाँ पे इसमें लगा लेते हैं। और ये दोस्तों बेस के अंदर हमको लगता है इसका पुराना वाला टूट गया है, तो ये अब निकल तो नहीं रहा है, जाम हो गया है। तो लगा के देखते हैं आखिर अब क्या कहता है ये हमारा टीवी। सर्किट को अंदर करते हैं, तो जो है कि पावर लग गई है, सीरीज बल्ब ऑन था, बंद हो गया अभी। और पावर की एलईडी जल रही है, ऑन करते हैं। तो कुछ तो रिस्पांस ज़रूर मिलेगा, देखते हैं। वीडियो की लीड लगाएंगे ताकि फिर से पता चल सके हमको कि इसी से फॉल्ट है, कोई और फॉल्ट है। दोस्तों अभी भी ये फॉल्ट है, तो आइए चेक करेंगे कि ये फॉल्ट आखिर कहाँ से है। तो सबसे पहले सर्किट को आप चाहे तो बाहर निकाल लें, तो मैं जो है कि इस सर्किट को बाहर निकालूंगा पीछे साइड से पलट के। इसकी टेस्टिंग हो गई है बैक साइड से। ठीक है, आपको सर्किट दिख रही होगी। तो इसमें मॉड्यूल लगा है, ट्रांजिस्टर चेक करेंगे भी हम, देखें उस पर सप्लाई जा रहा है कि नहीं। आउटपुट ट्रांजिस्टर पे सप्लाई हम 110 की चेक करेंगे कि हमारी वहाँ पे सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं, या हमारी 110 की सप्लाई बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 160 वोल्ट। ठीक है, बिना ऑन कंडीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा है, ठीक। और यहाँ से दोस्तों इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस पे ये सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को जो है कि हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे, और इसी समय हम अपने आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। हो सकता है उसी की वजह से ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हुआ हो। तो यहाँ पे आप 1 ओम का रेजिस्टेंस 2 वाट में लगा सकते हैं। तो मैं अपने ट्रांजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, आउटपुट के ट्रांजिस्टर को। तो फिर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट है, तो हमें को इसको भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। मीटर हमारी रीडिंग शॉर्ट दिखा रहा है, हमको सीटी आ रही है कंटिन्यू। तो इसको भी निकाल लेते हैं और देखते हैं। और दोस्तों हम इसको निकालने के बाद चेक करेंगे, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा निकल चुका है। अब इसको हम कंटिन्यूटी पे रख के ब्रदर मोड पे, मीटर को ब्रदर मोड पे रखने के बाद चेक कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हमको शॉर्ट दिखा रहा है। तो थोड़ा अच्छी तरह से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, ठीक है।
तो इस पे हम एक नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे और सबसे पहले इन होल को क्लियर कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए। अगर आपके पास बड़ा ट्रांजिस्टर नहीं है, छोटा लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी 2103 लगा सकते हैं। तो फिर दोस्तों ये हमारे होल क्लियर हो चुके हैं, तो मैं अब इसमें एक ट्रांजिस्टर 1803 जो है कि लगाने जा रहा हूँ। मैं आपको अब इसकी रीडिंग दिखाता हूँ, इसकी रीडिंग किस तरह से है। तो ये आप देखिए 500 3 4, और इसी पे इसकी देख लीजिए तो भी पा रही है, देख सकते हैं आप। तो ये ख़राब है, तो हम लगाते हैं अपना नया वाला ट्रांजिस्टर और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसको लगा के अच्छी तरह से टाइट कर ले रहे हैं हम। तो इसको होल में ध्यान से जो है कि लगाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर टाइट हो गया है और अब हम इसकी सोल्डिंग करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा पिन इसका छोटा है, तो हम थोड़ा ध्यान से करेंगे सोल्डिंग, क्योंकि दोस्तों मैं जो ट्रांजिस्टर यूज करता हूँ ये जो है पुराना ट्रांजिस्टर है। तो पुराना जो है कि मैंने आपको कई बार बताया है, नए का बाप, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। नए जो होते हैं आपके मार्केट में अधिकतर लोकल ही मिलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ठीक है, इसकी सोल्डिंग मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसके प्रिंट वगैरह उखड़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको खुरच के यहाँ पे इसका जो है कॉपर प्लेट को जो है निकाल रहे हैं। थोड़ी सी कॉपर पॉइंट मिल जाएगी तो सोल्डिंग आसानी से हो जाती है। और मेन सेंटर पॉइंट था, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको ये। और थोड़ा मोटा वायर हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं ताकि मजबूती बने रहे इसकी। ये 0.75 mm की वायर जो है कि मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सोल्डिंग कितनी अच्छी तरह से हमारी हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे 2 वाट में। तो ये रहा मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा प्रिंट यहाँ पे उखड़ चुका है, तो ये हमारा होल में आ चुका है और हम इसको सोल्डिंग कर लेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे फिर, नहीं तो रेजिस्टेंस हमारा नीचे चला जाएगा। तो फिर दोस्तों ये हो चुका है और ठीक है, थोड़ा इसका प्रिंट मजबूत कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंट ये बार बार हिल रहा है, हो गया मजबूत। तो फिर आइए चेक करते हैं अब क्या कंडीशन है भाई इन टीवी की, यानी इस टीवी की। तो लगाते हैं पावर में और देखेंगे क्या डिस्प्ले हमारी अब टीवी की आती है कि नहीं। तो ऑडियो की जैक लगा दें ताकि हमको और चेकिंग करने में आसानी हो। और ये ठीक है, पीटीसी की वायर है, सिंगल वायर थी इसलिए लग रहा था कि अर्थ की वायर है।
आइए डिस्प्ले पे चलते हैं आपको लेकर, पावर में लगाते हैं। तो पावर लग चुका है टीवी में, जो है कि ऑन होने का संकेत मिल चुका है। तो आ जाओ भाई। तो फिर दोस्तों, अभी तक तो टीवी पे कोई लाइट जो है कि नहीं आई है, और यहाँ पे ये भी लिख के आ रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा धुंधला। तो इसका मतलब इसका बेस प्रॉब्लम है। तो अब हम इसका ब्रेस जो है कि बेस चेंज करेंगे, जिसकी वजह से ये धुंधला आ रहा है। सारी समस्या आज ही इसको आनी है, सब आज समाप्त हो जाएगी इसमें से सारी समस्या। दोस्तों ये समस्या जो बेस वाली आई है, इतनी गंदगी थी इसमें, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है इसमें। तो मैं आपको बेस चेंज करके जो है कि दिखाता हूँ अभी, ठीक है? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ। तो फिर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसका बेस निकाला हुआ है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इसमें बेस एक नया लगा के दिखाऊंगा। बीच में एक वीडियो कंटिन्यू कर दिया दोबारा से, तो मैं आपको एक नया बेस लगा के दिखाने वाला हूँ अब, ठीक है? तो फिर दोस्तों हमारे इस टीवी में जो है कि बेस लग चुका है। तो आइए अब पावर लगा के चेक करते हैं। तो पावर लगा दिया है, ऑडियो वीडियो की लीड को लगा लेते हैं, और चलिए आपको डायरेक्ट वीडियो पे ले चलते हैं। तो फिर दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो है कि पिक्चर हमारी सही हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दोस्तों क्लियरिटी कम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं। अगर ये कोई वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें ये तीन कलर आ रहा है, देख सकते हैं आप, हरा, नीला और लाल, ये तीनों कलर दोस्तों हैं। इसलिए जो है कि इतनी क्लियरिटी इस पर नहीं बन रही है। इसको सही करने के लिए ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, है हर जगह पे है। यहाँ पे हमको इसको पीछे से सेट करना पड़ेगा, इससे जो है कि इसको छेड़ना पड़ेगा, तब जाके इसे सेट होगा। तो ठीक है, तो फिर हमारा ये जो है कि प्रॉब्लम सही हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।